फरवरी की आज जो 9 तारीख है और आज का जो अनुमानित टेम्परेचर वो 29 डिग्री बताया गया है। तो अब दोपहर के टाइम ही पता चलेगा कि एक आधा डिग्री कम होता है या ज़्यादा होता है। तो नैस्टिशियम के फूल बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बट ज़्यादा गर्मी में इन्हें धूप भी चाहिए, और अगर सीधे गर्मी में धूप में रखते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, तो ये फूलों के जो पेटल्स होती हैं ये बहुत ही नाजुक नरम होती हैं, और पत्ते भी जो नाजुक ही होते हैं, तो ये फिर थोड़े इनकी लाइफ कम हो जाती है। तो इन्हें आपने आप चाहते हैं कि ये बहुत लंबे टाइम तक आपके गार्डन में बने रहें, खिलते रहें, तो इन्हें इस तरह से झुंड में रखें। ये ऐसे फूलों के झुंड में जैसे रखे हैं ना मैंने दाएं बाएं, ये मैंने फूल रख दिए हैं, इधर भी रख दिए हैं, और इनके पीछे भी ऐसे मैंने रख दिए हैं, और आगे भी मैंने रख दिए हैं, और बीच में जो मिट्टी इनकी है वो मॉइस्ट ही रहनी चाहिए। तो ये जो मेरे नैस्टेशियम खिल रहे हैं ये पूसा वाले हैं। ये नैस्टेशियम जब मैंने ग्रो किए थे तो सबसे पहले खिलना शुरू हुए थे और खिल ही रहे हैं, और ये बहुत लंबे टाइम तक जो अगर थोड़ी केयर की जाए तो ये देखिए बीच में भी हैं पूरे भरे भरे। तो हालांकि मेरे पास सेम सीड मेरे पास भी था तो मुझे सीड खरीदने की बहुत बुरी आदत कह लो कैसी भी कह लो मेरे पास होते भी हैं, तो फिर मुझे बस यही रहता है कि हो सकता है मैं कहीं और से ख़रीद रही हूँ तो ये कहीं कोई और कलर का निकले। कई बारी कलर मेंशन नहीं किया होता उन्होंने कि कौन से कलर के हैं, तो बस सीड का नाम लिखा होता है। तो ये वाले फूल इतने ज़्यादा खिल रहे हैं, ये पत्तों के बीच बीच में भी हैं। तो फूल अगर देखना बीच में चाहते हैं तो फिर बीच बीच में ये पत्तों की कटाई छटाई भी बीच बीच में हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। तो ये पूरा भरा भरा है आपके नैस्टेशियम, बहुत ही अच्छे से ये दिखते हैं। जैसे कोई नीचे नीचे से पीले पीले पत्ते हैं तो वो भी आप हटाते जाइए, और जो ये बर्ड्स वगैरह हैं तो सीड भी जैसे तैयार होता जाएगा तो वो सीड भी आप हटाते जाइए, और बीच बीच से जैसे पत्ते मैंने बोला ना वो हल्के हल्के, बहुत नहीं हटाने हैं क्योंकि खुराक तो पौधे को खाना, तो पौधे के लिए वो पत्ते ही बनाते हैं ना, तो वो पूरे नहीं हटाने, बस कुछ कुछ आप हटा सकते हैं। तो ये सब करेंगे तो ये लंबे टाइम तक हरे भरे और सुंदर बने रहेंगे आपके गार्डन में। तो मैं और भी दिखाती हूँ, ये छोटे से छोटे पॉट में लग जाते हैं, और बड़े खूबसूरत बड़े से पॉट में लगाना चाहें तो भी बड़े में लग जाते हैं, हैंगिंग पॉट में लग जाते हैं। ये एक 5-6 इंची का ये छोटा सा पॉट है, ये मेरा हाथ पूरा ये बाहर को निकल रहा है तो पूरा हाथ आता, तो 6 इंची का 5 इंची के पॉट में भी ये लगे हुए हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, जैसे वर्जीनिया स्टोक है साथ में ये लगा दिए हैं, तो इकट्ठे इकट्ठे करके रखती हूँ मैं। तो इस तरह से ऐसे इकट्ठे रखने से क्या है कि फूलों की लाइफ बढ़ जाती है, और दाएं बाएं जो पौधे रखे होते हैं तो उन्हें थोड़ी छाया भी मिल जाती है, और मॉइस्चर भी उनमें बना रहता है। कई बार हम पानी देना भूल भी जाते हैं, तो दाएं बाएं प्लांट्स होने से फिर वो जो मॉइस्चर होना चाहिए वो बना भी रहता है। वैसे इस टाइम जो मौसम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, फरवरी में 29 डिग्री टेम्परेचर जो जाने लगा है। तो हर रोज़ ही मैं सुबह इनमें पानी डालती हूँ, और जैसे मेरे गार्डन में जो मैं कई बार अपने गार्डन में आती हूँ और कोई अद्धा पौधे जैसे रह जाते हैं पानी दिए बिना, तो उनमें फिर आके वो थोड़े मुरझाने जैसे दिखते हैं तो फिर मैं दे देती हूँ। हाँ ये है कि आप जैसे टाइमली पानी एक टाइम देते हैं, सुबह की सुबह देते हैं, तो फिर ये कोशिश करें कि तेज़ धूप होने से पहले ही आप अपने प्लांट्स में पानी दे लें। हाँ अगर हम पानी देने में बहुत लेट हो जाते हैं, धूप चढ़ जाती है क्योंकि हम एक ही टाइम सुबह के टाइम ही दे रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारे पौधे उनके जो फूलों की पेटल्स वो मुरझाने लगती हैं और वो फिर उतनी फ्रेश नहीं दिखती हैं, तो डैमेज हो जाती हैं। तो इस कारण हमें फिर अगर एक टाइम पानी देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और नैस्टेशियम मेरे ये भी खिल रहे हैं, इस तरह से खिल रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और नैस्टेशियम आपने ग्रो किए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो इन बातों का ध्यान रखें, तो ये आपके गार्डन में लंबे टाइम तक बने रहेंगे। और 15 दिन में आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो घर के बने हुए होते हैं ना, केले के छिलकों का पानी, सब्जियों को भिगो के 2 दिन रखें वो पानी, लस्सी वगैरह ये सब दें, तो ये बहुत अच्छे से खिलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बर्ड्स बनती जाती हैं और खिलते जाते हैं। तो यही सब इनकी केयर है।
इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।